नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3। इसमें भी आपका पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 × 1 = 1 है, फिर यहाँ पे 11 × 11 हो गया तो 121 आ गया। यहाँ पे एक एक 1 को एक्स्ट्रा लिया गया है और उन्हें मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है वो देखिए, पहले 1 था, फिर 121 हो गया, फिर देखिए 12321 हो गया। आप इसे सीधे यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो देखिए 123 वही चीज़ हुई, और पीछे से हम स्टार्ट करेंगे 123, तो सेम नंबर्स आ रहे हैं। पीछे से देखने पर भी 123 एंड आगे से देखने पर भी 123। नेक्स्ट में देखिए 1234 आ रहा है, और पीछे से देखने पर भी 1234, और जो नंबर्स हैं वो जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं ये सिक्वल वाइज आ रहे हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, हम इसका ऐसा ही जो ये पैटर्न दिया हुआ है इसको देख कर ही हम इसके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से हम पीछे से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 डिजिट को ले लिया है, जो 5 नंबर है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे नंबर थे, फिर नेक्स्ट में जो हमने लिया है वो लिया है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसमें देखिए पहले 5 5 जो 25, फिर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 1 × 2 लिखा है और 25 है सबके पीछे, तो हमें भी 25 लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिल किया हुआ है तो 25 ही लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 × 2 किया है तो 1 2 जो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये पीछे का जो 25 था वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में 2 3 जो 6 है तो 6 लिख दिया और पीछे का जो 25 है वो लिख दिया। ऐसे ही 3 4 जो 12 है 12 लिख देंगे और पीछे का जो 25 है 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 × 4 है तो हम लिखेंगे 4 × 5 और नीचे वाले में लिखेंगे 5 × 6। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न में हम किसी लॉन्ग मेथड का यूज़ करके किसी आंसर को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन पैटर्न के थ्रू हम उसको ईजी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर दे तो थोड़ा हमें टाइम लगता है इसे मल्टीप्लाई करने में, लेकिन इस पैटर्न के थ्रू हम इसको बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 5 जो 20 लिख देंगे और 25 का 25 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे में 5 6 जो 30 लिख देंगे और 25 का 25 आ जाएगा। थर्ड में 9 6 जो 54 लिखा है, फिर यहाँ पे 9 × 66, 1 6 और ज़्यादा ले लिया तो 594 आ गया इसका प्रोडक्ट, फिर 9 × 666 ले लिया, फिर 5 994 आ गया, यानी यहाँ पर 9 का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे 9 1 बार था, अब यहाँ पे 2 बार आ गया। अब हम जो यहाँ पे लिखेंगे 9 को 3 बार लिखेंगे और जो आगे और पीछे की जो डिजिट है वो सेम रहेगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में हम 9 को 4 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 + 4 है तो 9 आएगा, 5 + 9 + 4, यहाँ पे इन डिजिट्स को प्लस किया गया है, 5 + 9 + 4 = 18। इज देयर ए पैटर्न इन द प्रोडक्ट सो ऑब्टेंड, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या ये एक पैटर्न है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। फोर्थ है, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई किया गया है पहले 111 से, देन 222 से, देन 333 से, और ये मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 1 2 3, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर 5, अब यहाँ पे पहले 8 था, फिर 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ये नंबर, 6, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और जो बीच में ये 999 है तो हम 999 ही लिखेंगे। यहाँ पे साइड में 9 + 9 + 9 27 आया, फिर यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट था 1 99 और 8 इनको प्लस किया तो भी 27 आया, फिर यहाँ पे 2 997 था इनको प्लस किया तो भी 27 आया, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे पीछे एक डिजिट जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वो घट रहा है। पहले यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, 1 प्लस हुआ तो हमने नेक्स्ट नंबर लिखा, लेकिन यहाँ पे जो पीछे डिजिट है उसमें हमने एक नंबर माइनस किया। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो सबका सम 27 ही आएगा। आपको जो ब्लैंक है बस उसको फिल करना है, इस एक्सरसाइज को आपको मैथ्स की बुक में करना है।